गुड मॉर्निंग क्लास फोर। ओके, वेलकम बैक टू दी मैथ्स लेसन्स आफ्टर हाफ एलीस। तो हमने ऑलरेडी चैप्टर फाइव तक हमने ऑलरेडी कर लिए थे। अब हम चैप्टर सिक्स स्टार्ट करेंगे, विच द चैप्टर नेम इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, तो इसमें जो पहला पार्ट है वो है फैक्टर्स। अब हम समझते हैं कि फैक्टर्स एक्चुअली होते क्या हैं। ठीक है, किसी भी नंबर के हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल से इसको समझाता हूँ हाउ टू डू इट। जैसे 24 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं, तो हमें वो नंबर्स चाहिए जो कि 24 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हो, मतलब उसमें कोई रिमाइंडर ना रहे। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिस जिस नंबर की टेबल में 24 आता है वो सारे उसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, दोनों तरीके से देखते हैं। जैसे सपोज करो 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 की टेबल में 24 आता है, 2 की टेबल में 24 आता है। अगर हमें 10 से ऊपर की टेबल आती हो, मतलब 2 10s और 2 11s अगर हम कर सकें, तो 2 की टेबल में 24 आता है। 2 12s 24 होता है। 2 into 12 is equal to 24। ओके, ये होता है। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स दो बन गए, 2 भी बन गया और 12 भी बन गया। ये दो फैक्टर्स बन गए इनके। 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 3 8s are 24, तो ये दोनों भी फैक्टर्स इसके बन गए। 4 की टेबल में आता है, यस आता है। 4 6s are 24, तो 4 और 6 दोनों इसके फैक्टर्स बन गए। जो जो मल्टीपल्स होते हैं ना, जैसे 2 12s are या 3 8s are 24 या 4 6s are 24, तो ये सारे इसके फैक्टर्स बनते जाएंगे दोनों नंबर। ठीक है, अब 5 के टेबल में 24 आता है, नहीं आता। 6 के टेबल में 24 आता है, लेकिन 6 के टेबल पे तो हम ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहीं पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये तो इसके फैक्टर्स हो गए। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है, ये फैक्टर्स निकालने के बाद एक चीज़ आपको क्या करनी है कि ये जो खुद नंबर है ये खुद इसका फैक्टर होता है, पहली चीज़। और 1 सब में आएगा। अगर किसी किसी भी नंबर का फैक्टर ले लो, तो 1 और वो नंबर खुद, वो दोनों तो फैक्टर होते ही हैं। उसके अलावा हमें फैक्टर्स ढूंढने पड़ते हैं। तो अब ये पूरी लिस्ट तैयार हो गई हमारे पास इन फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, या तो हम ये कह सकते हैं कि वो उसकी टेबल में आए। 2 की टेबल में 24 आता है, यस। 12 की टेबल में आता है, 12 2s are 24। 3 की टेबल में भी 24 आता है, 8 की टेबल में भी 24 आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में आता है, 24 की टेबल में भी आता है, 24 1s are 24। खुद की भी तो टेबल होती है, 24 1s are 24 होता होगा, तो वो उसका। एंड 1 24s are 24। ठीक है, 1 24s are 24, तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, या फिर मैं ये कहूं कि 24 को 2 बिना रिमाइंडर बचे डिवाइड करता है। चेक कर लेते हैं, अगर इसको हम डिवाइड करें तो 2 1s are 2, 4 उतरा 2 2s are 4, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, आंसर आ गया 12। या 3 करें, 24 को 3 से डिवाइड करें, 3 8s are 24, रिमाइंडर 0। तो जो जो ये सारे नंबर 24 को डिवाइड कर सकते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 बचेगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। बट फैक्टर्स निकालने का इजी तरीका तो यही है कि आप टेबल्स, अगर आपको लर्न है तो आप टेबल्स के थ्रू फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो अब 30 का फैक्टर निकालना है हमें। ठीक है, तो 30 किस किस की टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है, 15 2s are 2 15s are 30, तो 2 और 15 इसके फैक्टर हो गए। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 3, 3 के टेबल में, यस, 3 10s are 30। 4 के टेबल में 30 आता है, नहीं आता, बिकॉज 4 7s are 28 होता है और 4 8s are 32 हो जाता है, तो 30 तो आता ही नहीं है। 5 के टेबल में आता है, 5 6s are 30, 5 6s are 30 आता है ना। अब 6 की टेबल में, तो 6 की टेबल में तो ऑलरेडी हमने देख लिया 6 5s are 30, तो यहीं पे हमें स्टॉप कर देना है। जब ये रिपीट हो जाए ना, एक कोई नंबर रिपीट हो जाए, तो हमें वहीं पे उसको स्टॉप कर देना है। अब जब हमने ये सारे फैक्टर्स निकाल दिए, तो इसके अलावा दो फैक्टर्स कौन से होते हैं? एक तो वो नंबर जो खुद है, और एक 1। तो ये सारे 30 के फैक्टर्स हो गए। एक और एग्जांपल करके देखते हैं, 12 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 2 की टेबल में आता है, 2 6s are 12, 2 6s are 12। 3 की टेबल में आता है, 3 4s are 12, तो 3 और 4 दोनों इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। फिर 4 की टेबल में आता है, तो 4 की टेबल में तो हम ऑलरेडी 4 को ले चुके हैं, 4 3s are 12, तो अब हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। और ये नंबर खुद और 1 इसके फैक्टर्स होते ही हैं, तो ये सारे इसके फैक्टर्स
फैक्टर्स निकल गए। तो इस तरीके से ये फैक्टर्स निकाले जाते हैं। जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना इसकी, तो आपको बहुत इजीली आ जाएंगे इसको करना। ओके अच्छा, फैक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एक दो तो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि वन इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वन जो है ये हर एक में आएगा, कोई सा भी नंबर ले लो वन उसका फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, द नंबर इट्सेल्फ इज द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, मतलब वो जो नंबर है वो खुद भी अपना फैक्टर होगा। 24 का फैक्टर 24, 30 का फैक्टर 30, 12 का फैक्टर 12। तो बेसिकली अगर हमें किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं, तो दो फैक्टर्स तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। 72 का फैक्टर निकालना है, तो 72 का फैक्टर एक तो 72 होगा ही और 1 होगा ही होगा, उसके अलावा फिर हम और फैक्टर्स ढूंढेंगे। या फिर अगर 18 का पूछा जाए, तो 18 और 1 तो उसके फैक्टर्स होंगे ही होंगे, फिर बाकी हम फैक्टर्स हम ढूंढेंगे। तो बेसिकली 1 हर एक का फैक्टर होता है, और वही नंबर अपना फैक्टर होता ही हो। 18 का फैक्टर 18, 72 का फैक्टर 72, 12 का 12, 30 का 30, 24 का 24। नंबर इट्सेल्फ इज द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, मतलब वो खुद नंबर अपना ही फैक्टर होता है। ठीक है अच्छा, द नंबर इट्सेल्फ इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर। ये जो नंबर है, ये 72 का 72 जो फैक्टर है, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है हमेशा। ये सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा 1 रहेगा, और सबसे बड़ा वो नंबर इटसेल्फ रहेगा। 72 का सबसे बड़ा फैक्टर 72, 18 का सबसे बड़ा फैक्टर 18, 12 का सबसे बड़ा फैक्टर 12, 30 का सबसे बड़ा फैक्टर 30, 24 का सबसे बड़ा फैक्टर 24, क्योंकि इससे बड़े फैक्टर्स इसके हो ही नहीं सकते। 24 का फैक्टर 24 से बड़ा नहीं होगा। 25, 26, 30, 40, 50, 48, 92 कभी भी 24 के फैक्टर नहीं होंगे। ये जो भी फैक्टर्स आप देख रहे हो सारे, ये सब 24 या उससे छोटे होने चाहिए, तभी वो सही हैं। फैक्टर्स आर इक्वल एंड लेस देन द नंबर, यही हमारा चौथा रूल है फैक्टर्स का, कि फैक्टर जैसे 24 है ना, तो ये सारे नंबर 24 से छोटे होंगे। अगर ये 30 है, तो ये सारे नंबर 30 से छोटे होंगे। अगर यहाँ पे 12 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो ये सारे नंबर 12 से छोटे होंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर्स के रूल्स होते हैं कि एक तो वन फैक्टर होता ही होता है, वो नंबर खुद फैक्टर होता ही है, और वो जो नंबर खुद है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, और जितने भी फैक्टर्स हैं वो उस नंबर से हमेशा छोटे होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके अंदर, अब ये देखना है क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इसमें टू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। एक तो होगा सिंपल फैक्टर निकालना, जैसे हमने अभी निकाला कि भाई 18 का फैक्टर निकालो, वो हमने अभी सीखा है कैसे करना है टेबल्स बोल के, कि सबसे पहले 2 की टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 की टेबल में 18 का आता है, 2 9 जा 18। 3 की टेबल में का आता है, 3 6 जा 18। 4 की टेबल में आता है, नहीं आता। 5 की टेबल में आता है, नहीं आता। 6 की टेबल में आता है, यस 6 3 जा 18, लेकिन 6 और 3 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे, और लास्ट में 18 खुद और एक 1 इसके फैक्टर्स को लिखेंगे, और ये हमारे फैक्टर्स तैयार हैं। तो इस एक्सरसाइज जो है आपकी 6A, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको एक नंबर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं। उसके अलावा जो कि क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फाइव आपके इस तरीके के हैं, जहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पे है, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 25, सही है कि गलत है। तो हम कैसे पता करेंगे? हमको पता है फैक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि फैक्टर उस नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है। अगर वो रिमाइंडर 0 है, तो मतलब ये नंबर इसका फैक्टर है, और अगर कुछ रिमाइंडर बच जाता है, तो इसका मतलब वो नंबर इसका फैक्टर नहीं है। एग्जाम्पल करके देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है 5 इज अ फैक्टर ऑफ 25, क्या 5 25 का फैक्टर है? डिवाइड करके देख लो, 5 को 25 से डिवाइड किया, 5 5 इज़ 25, रिमाइंडर बचा नहीं बचा, तो मतलब ये फैक्टर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 23, पता कर लेते हैं 4 23 का फैक्टर है क्या। 4 को 23 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो इसमें क्या आएगा, 4 की टेबल में 4 5 इज़ 20, 4 6 इज़ 24, तो 4 5 जा 20 करेंगे, 3 बच गया,
थ्री बच गया, अगर रिमाइंडर बचा तो मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5 आपके इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, जहां पे मैं बुक में दिखाता हूं आपको, जहां पे इनमें पूछा गया है। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में इस 4 इज अ फैक्टर ऑफ 36, तो आपको उसके डिवाइड करके आपको देखना है। या यहाँ पे पूछा गया है फाइंड आउट द फर्स्ट नंबर इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर, मतलब 114 112 का फैक्टर है कि नहीं है, 27 190 का फैक्टर है कि नहीं है, और लास्ट में ये पूछा गया है 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15, ट्रू और फॉल्स बताने। तो इसमें आपको डिवीजन करके आपको पता करना पड़ेगा कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं है। अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट आता है कॉमन फैक्टर्स का, क्वेश्चन नंबर 6, तो उसको हम कैसे करते हैं कॉमन फैक्टर्स का। हमको फैक्टर्स निकालने आ गए, हमको फैक्टर्स निकालने आ गए, हमने सीखे हैं, आप इसमें प्रैक्टिस भी करोगे तो आपको फैक्टर्स निकालने आ जाएंगे। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ 9 एंड 15, 9 और 15 का कॉमन फैक्टर ढूंढो। तो इसमें दो शब्द हैं देखो, कॉमन और फैक्टर। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फैक्टर निकालेंगे, दोनों के फैक्टर निकालेंगे। 9 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता। 3 के टेबल में 9 आता है, यस आता है, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। फिर 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में भी 9 था, फिर 9 के टेबल में आता है, तो 9 और 1 जो कि नंबर इटसेल्फ एंड 1 उसके फैक्टर होंगे। तो ये तो 9 के फैक्टर निकल गए। अब 15 के फैक्टर निकालते हैं, 2 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता। 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15, 4 के टेबल में आता है, नहीं आता। 5 के टेबल में आता है लेकिन वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 5 3 ज़ा 15, तो बचा क्या, 15 और 1, ये फैक्टर्स निकल गए। तो हमने फैक्टर्स निकाल दिए, ठीक है, दोनों के फैक्टर्स निकाल दिए। अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर चूज करेंगे, कॉमन मतलब जो इनमें से एक जैसे हैं। अब इसमें से एक जैसे फैक्टर कौन कौन है, 1 है दोनों में, देखो 3 है दोनों में, है ना। तो ये फैक्टर्स हो गए। अब दूसरा 3 तो है नहीं, अब यहाँ पे क्या है, 2 3 हैं, यहाँ पे एक ही 3 है, तो हम इस 3 को गोला नहीं लगाएंगे, एक 3 के साथ एक 3 और एक 1 के साथ एक 1, फिर बचा 3 9 15 और 5 जो कि सब अकेले बच गए। तो ये दो दो के पेयर बन गए, तो इसके कॉमन फैक्टर्स हुए 9 और 15 के, 3 और 1, ये आपका आंसर हो गया। तो हमको क्या करना है, हमें पहले फैक्टर्स निकालने हैं जो हमें आते हैं, फिर उन दोनों में से जो जो सेम सेम है ना वही उसके आंसर होते हैं। इसमें 1 सेम है, 3 सेम है, तो 3 और 1 इसका आंसर हो गया। सपोज करो 12 और 18 का अगर पूछा जाए कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, तो 12 के फैक्टर्स अभी हमने निकाले ही थे, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 12 एंड द नंबर इटसेल्फ। 18 के फैक्टर्स भी अभी हमने निकाले थे, 2 9 3 6 18 एंड 1, ये इसके फैक्टर्स निकल गए। 2 के टेबल में आता है, 2 9 ज़ा 3 6 ज़ा 18 1 ज़ा 18, तो ये फैक्टर्स निकल गए। अब इसमें से हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने, कौन कौन से सेम हैं देखें। 2 आया देखो सेम सेम, 3 आया सेम सेम, 1 आया सेम सेम, और कोई आया, 6 है, 6 है सेम सेम, बाकी क्या बचा, 9, 9 वहाँ पे नहीं है, 4 यहाँ पे नहीं है, 18 वहाँ पे नहीं है एंड 12 यहाँ पे नहीं है। तो ये सारे कॉमन फैक्टर्स हो गए, कौन कौन से हुए, 1 2 3 और 6 कॉमन फैक्टर्स हो गए। इसका मतलब ये होता है कॉमन फैक्टर्स का कि ये नंबर दोनों की टेबल में आता है, 3 के टेबल में 12 भी आता है और 18 भी आता है, 6 की टेबल में 12 भी आता है 18 भी आता है, 2 की टेबल में 12 भी आता है 18 भी आता है। तो ये इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। तो इस तरीके से आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने, पहले फैक्टर्स निकालो, फिर उनमें से जो जो सेम हो वो निकाल के अलग से लिख लो, वो आपके कॉमन फैक्टर्स हो गए। तो इस तरीके से आपको करना एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो दैट इज योर टुडेज असाइनमेंट, आपको एक्सरसाइज 6A करके मुझे सबमिट करानी है। इस वीडियो को बार बार देखें, समझें, कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कॉल करें, मैं आपको वीडियो कॉल करके इसको समझा दूंगा अलग से। और एक्सरसाइज 6 से करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करोगे तो फैक्टर्स निकालना बहुत इजीली आ जाएगा। आप ये एक्सरसाइज करें एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द मल्टीपल्स। ओके क्लास, थैंक यू।